हेलो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू कुक। आज हम बनाएंगे पेड़े, जो एक माउथ मेल्टिंग स्वीट है। कोई भी फेस्टिवल पेड़ों के बगैर अधूरा होता है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में घी लेंगे। घी पेड़ों को सॉफ्ट भी बनाता है और साथ में शाइनिंग भी देता है। उसके बाद हम उसमें दूध ऐड करेंगे। इसके साथ हम केसर वाला दूध भी ऐड करेंगे। केसर को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। केसर से पेड़ों में अच्छा कलर और अरोमा आती है। एक बॉईल आए उसके बाद मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा डालना है, ताकि हमारे पेड़ों में लम्स ना रहे। मैंने यहाँ पे नेस्ले का एवरीडे मिल्क पाउडर यूज़ किया है। आप चाहो तो अमूल का भी यूज़ कर सकते हो। लगातार चलाते रहेंगे, ताकि हमारे पेड़ों का टेक्सचर लम्स फ्री रहे। थोड़ी ही देर में हमारा मिक्सचर गाढ़ा होता जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम हमारा पूरा मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक पूरा मिक्सचर हमारी पैन से सेपरेट ना हो। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम उसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, जो हमारे पेड़ों को और भी टेस्टी बनाता है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। पेड़ों में कंडेंस मिल्क का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप कंडेंस मिल्क ही यूज़ करें। लगातार चलाते रहने से पेड़ों का टेक्सचर स्मूथ हो जाता है। फ्रेंड्स, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर पेड़े बनाए जाए तो एकदम बाहर जैसे बनते हैं। इलायची पाउडर ऐड करेंगे, जो हमारे पेड़ों में एक फ्लेवर एनहांस करता है। हमें पेड़ों का टेक्सचर इस तरीके से रेडी करना है। एक बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद अपने हाथों में लेके उसे मसलना है। अगर ज़रूरत पड़े तो हाथों को ग्रीस करेंगे और एक डो जैसा रेडी करेंगे। उसमें से एक छोटा सा बॉल बना के पेड़े बना लेंगे। पिस्ता या और किसी नट से गार्निश करेंगे। इस तरीके से हम बाकी के पेड़े भी रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, है ना इजी रेसिपी? आप भी ज़रूर ट्राई करें। दूसरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।